तो दोस्तों, रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर रंग उल जलूल आ जाएं तो हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टूटता है और दिमाग में भी उलझन बनी रहती है। अगर ये रंग अच्छा हो तो हम बहुत ही अच्छा अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं और हमारा एक व्यवहार भी अच्छा रहता है। रंगों से, इन रंग खास करके रंग जो होते हैं, ये हमारे ग्रहों को नियंत्रित करते हैं। और इसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं लाल रंग के बारे में। लाल रंग के टावल या फिर लाल रंग के रुमाल से किस तरह से हमारे ग्रहों का एक खराब होना जो शुरू हो रखा था वो सही हो जाता है। लाल रंग के टावल या लाल रंग के रुमाल से किस तरह से हमारे ग्रहों की शक्ति बढ़ जाती है और हमारे जीवन में एक पॉजिटिव असर आना शुरू हो जाता है, ये एक बहुत ही बेहतरीन और एक साधारण और सिंपल सा उपाय है, पर इसका असर ज़बरदस्त है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कई बार आपने सुना होगा, काले रंग का प्रयोग मत करें, नीले रंग का प्रयोग मत करें, आप ये रंग पहने, आप गहरे रंग मत पहने, आप लाइट रंग पहने, क्यों ये कहा जाता है? देखिए, हम कोई भी रंग पहनते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबको एक ही रंग नुकसान देता हो या एक तरह का रंग ही इंसान को फ़ायदा देता हो। पर जब ग्रह स्थिति कुछ स्पेसिफिक हो जाती है कुंडली में, तब ये कहा जाता है कि लाल रंग, काला रंग, नीला रंग या कोई भी रंग हो, इनमें से कोई रंग हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है और किसी रंग का हमें त्याग करना है। तो इसी तरीके से लाल रंग की बात आती है, लाल रंग कब हमें बहुत ज़्यादा यानी कि बहुतायत में प्रयोग करना है, बहुतायत में हम कब प्रयोग कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। जैसे कि रुमाल है, रुमाल को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पर अपने साथ रख सकते हैं। दो तरह के रुमाल अपने साथ रख सकते हैं, लाल रंग का रुमाल है तो अपने बैग में रखिए। अब लाल रंग का रुमाल सबके सामने हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो तरीका क्या है? हम अपने पास वाइट कलर का रुमाल भी रखें। लाल रंग की जो रुमाल की शक्ति है वो आपके साथ रहेगी, इस्तेमाल में आपका नॉर्मल जो वाइट कलर है वही इस्तेमाल होता रहेगा। और टावल हो गया, आपकी चेयर पीछे आप कपड़ा डालते हो चेयर में, तो चेयर पे आप रेड कलर का कपड़ा डाल सकते हो, अपने टेबल पे, अपने कीबोर्ड के नीचे या कहीं पर भी, आप अपने स्टडी टेबल पे या फिर अपने बाथरूम की टावल को आप लाल रंग में इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये तो तरीके हो गए इस्तेमाल करने के, पर ये किया क्यों जाता है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, जब भी कुंडली में चंद्रमा पहले भाव में हो, तब इस केस में ये कहा जाता है कि आपको काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना, यहाँ तक कि हरे रंग से भी परहेज करना है और कांच के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने हैं। और इस्तेमाल करना है तो मंगल संबंधित चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आप मंगल संबंधित जो कि लाल रंग होता है, लाल रंग का टावल, रुमाल या कुछ भी, बेडशीट, कुछ भी लाल रंग के संपर्क में जितना ज़्यादा रहोगे उतना चंद्रमा के दोष दूर होंगे। चंद्रमा पहले भाव में आके दिमाग कहीं ना कहीं डावाडोल करता है, आपकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसे ख़राब करता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लो कॉन्फिडेंस, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डिवेलप करता है, यानी कि एक आत्मबल तोड़ने का काम करता है। व्यक्ति हमेशा अलग साइड ट्रैक होके रहता है, अलग होके रहे, डरा सा रहे, इस तरह से ये चंद्रमा कहीं ना कहीं नेगेटिव असर देता है। बाकी पॉजिटिव असर तो देखिए इन शुभ ग्रहों के बहुत होते हैं, पर जिनको नेगेटिव मिल रहे हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। नेगेटिव हमारी गलतियों के कारण हो जाता है ग्रह, जब नेगेटिव हो गया है तो पॉजिटिव रखना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए जो ग्रह शुभ है उसे तो हमें शुभ बना के ही रखना है। अब शुभ बनाने का तरीका क्या है? लाल रंग का रुमाल, टावल, बेडशीट, कुछ भी लाल रंग की चीज़ें। जब शुक्र तीसरे भाव में हो तब शरीर में कमजोरी या कहीं ना कहीं प्रकार से शारीरिक दुर्बलता या बेमतलब के झंझटों में फंसाता है, तब इस केस में मंगल की सपोर्ट लेनी होती है। लाल रंग की चीज़ें, सौंफ इत्यादि, ये चीज़ें सेहत को बिगाड़ने का काम करता है शुक्र तीसरे भाव में। मंगल नौवें घर में, नाइन्थ हाउस में है, तब इस केस में ये कहा जाता है बहुत ही शुभ मंगल, इतना अच्छा मंगल, कुछ पूछिए मत, पर कहीं ना कहीं लोगों को उस मंगल के फल मिलते नहीं हैं। अच्छे फल ना मिलना का कारण तो जीवन में कुछ ना कुछ होने वाली हमारी गलतियां होती हैं। जब गलतियां हो रही हैं तो उसे शुभ भी कर लेना चाहिए। तरीका यही है हमारी डे टू डे लाइफ की चीज़ों में कुछ थोड़े बहुत बदलाव करके। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर
आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। मंगल बार में घर में यहाँ पर भी काफ़ी शुभ है, पर कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियाँ तो वहीं से संबंधित होती हैं कि कुछ ना कुछ हम उनके प्रति कर नहीं पाए। जब हम ग्रहों के प्रति नहीं कर पाए तो हम ग्रहों से क्या उम्मीद लगाएं कि वो हमें सही सही असर दें। इनको जागृत करने का तरीका यही है कि मंगल, चंद्र, शुक्र, इनको पॉजिटिव कर लिया जाए। करने का तरीका, लाल रंग की टावल, रुमाल, कुछ भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करिए। देखिए आपको कितने अच्छे असर दिखने शुरू हो जाएंगे। मंगल की चीज़ों का सेवन कहा गया है शुक्र तीसरे घर में। अगर आप खाना खाते हैं तो उसके बाद सौंफ का सेवन करिए। देखिए आपकी सेहत के विकार, कुछ ना कुछ जो परेशानियां हैं डाइजेशन या हेल्थ में छुटपुट लगी रहती हैं या कोई लंबी परेशानी है तो वो मंगल की सपोर्ट पाकर दूर होगी। मंगल देखिए हर एक ग्रह किसी न किसी सपोर्ट से ही चलता है। अकेले प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक उनका पूरा कैबिनेट या फिर उनके जो सभी लोग कार्यकर्ता जब तक उनकी सपोर्ट ना करें। तो इसी तरीके से कोई ग्रह अकेला कुछ नहीं कर पाता है जब तक उस ग्रह को सपोर्ट करने वाले ग्रह उसके साथ ना चलें। उनका साथ दिलाने के लिए हमें उस ग्रह के साथ साथ दूसरे ग्रह की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और यही तरीके को हम देखकर एक जातक को सजेस्ट करते हैं कि आपको ये इस्तेमाल करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। इसी तरीके से लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल है। अब मंगल की सपोर्ट पाली, जो अब आपके जीवन में उस ग्रह संबंधित विकार आ रहे थे उनसे आपके बचाव होने शुरू हो जाएंगे और इसके काफ़ी चमत्कारिक लाभ हैं। जैसे कि मंगल की थैली के बारे में कहा जाता है, लाल रंग की एक थैली होती है, चौकोर थैली, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। इसके अंदर सौंफ होती है, देसी खांड होती है, ये सब मंगल की वस्तुएं हैं और ये राहु को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। जब आप जौ की थैली बनाते हो अंधेरे में रखने के लिए, वो भी लाल कपड़े में बनती है। तो इस तरह से मंगल की थैली का प्रयोग राहु को कंट्रोल करने के लिए है और मंगल का प्रयोग हमारे जीवन में किसी दूसरे ग्रह के दोष दूर करने के लिए भी है। हमारा शरीर एक तरह से मंगल के द्वारा ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में है खून और ये खून अगर ना हो तो हमारे शरीर के जो बाकी अंग हैं वहाँ तक वो खून का दौरा ना पहुँचे तो वो निस्तेज हो जाएंगे, किसी काम के ही नहीं रहेंगे। इसी तरीके से मंगल का सही होना हमारे जीवन में अत्यंत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये लाल टावल, लाल चीज़ों का इस्तेमाल किसी भी रूप में करिए, लाल रुमाल किसी भी रूप में करिए। आप एक बार करना शुरू करिए, देखिए किस तरह से इसके पॉजिटिव असर आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, और ऐसे ही सिंपल अल्टरनेटिव उपाय और आपके जीवन को सही करने संबंधित उपायों को लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।